नमस्कार, मैं हरीश पवार। आज हम खड़े हैं गोलपाड़िया के गिरवाई क्षेत्र के अंदर एक सफल पोल्ट्री फार्म पर। इस फार्म के अंदर हम जानेंगे मुर्गी पालन के बारे में, मुर्गी पालन किस तरीके से किया जाता है, मुर्गा मुर्गी का जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। अक्सर हमने देखा है कि कई बार लोग मुर्गा मुर्गी पालते हैं और उसमें एक बड़ा लॉस उन्हें उठाना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ये भी जानेंगे। और हमने देखा है मुर्गा मुर्गी पालने के बाद में अक्सर लोगों के यहाँ अंडों का जो प्रोडक्शन है वो कम आता है, इसका क्या कारण है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पोल्ट्री फार्म का पूरा सच। तो जानेंगे सबसे पहले आपका नाम क्या है और आपका ये फार्म कहाँ पर है, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। मेरा नाम ठाकुर सिंह कुशवाहा है, मेरा फार्म है ग्वालियर में। ये अपना गिरवाई नाका पड़ता है लश्कर शहर में, ग्वालियर रेलवे स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ मेरा फार्म है, ये ग्वालियर के अंदर पड़ता है और ये क्षेत्र गिरवाई कहलाता है, गिरवाई हरकोटा ए बी रोड। अगर कोई ग्राहक या कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 90 74 82 95 41। ये आपका नंबर हुआ। हाँ। तो आपको ये मुर्गी पालन करते हुए कितना समय हो गया? करीब इसको हो गई 45 साल, करीब 40-45। 40 से 45 साल के लगभग। हाँ। आपको मुर्गी पालन करते हुए होगा। हाँ। हमने देखा है कि लगातार मुर्गी पालन की तरफ लोगों का ध्यान कम है और बंद हो रहा है मुर्गी पालन। ऐसे कई सारे फार्म हैं जो बंद हो चुके हैं, क्या कारण है? मुर्गी पालन से आदमी लॉस खा जाता है और उसे बंद करना पड़ता है, और आपका फार्म काफी पुराना है, लगातार आप इस काम को करते आ रहे हैं, तो सफलता का राज क्या है? सफलता का राज ये है कि लोग देख के एक दूसरे को फार्म तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसको जहाँ तक दाने की जो बात आती है वहाँ दाना नहीं खिला पाते। और दाना इसको सही मात्रा में मिलेगा, समय पे तैयार होगी तो अंडा भी अच्छा देगी, मुर्गे ग्रोथ भी अच्छा लेंगे और फैलने होंगे। दूसरी चीज क्या है कि लोग वहाँ पाल तो लेते हैं, बाहर छोड़ दिया तो बाहर छोड़ के उनको दाने थोड़ी मिलना है, कंकड़ पत्थर खा के डेवलप थोड़ी होगा, इसलिए उनको दाना देना बहुत जरूरी है। और जो वैज्ञानिक लोग डॉक्टर लोग बताते भाई इतना प्रोटीन का दाना होना चाहिए, इतना मुर्गी को दाना मिलना चाहिए, उस हिसाब को उसको दाना देना बहुत जरूरी है। अगर दाना नहीं दोगे फ्री रेंज की तरफ जाओगे, आपको फेल होना ही है, कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा, आप हमें ये बताएं हमारे दर्शकों को कि ऐसे सेड आपके पास कितने बने हैं? मेरे पास ऐसे सेड 3 हैं। 3 सेड हैं। और सारे सेडों में आपने अलग अलग प्रजातियां रखी हैं? हाँ, अलग अलग है, है ना? तो ये जो मुर्गा मुर्गी आप यहाँ से बेचते हैं ये लगभग क्या कीमत रखते होंगे उसकी? हमारे यहाँ करीब 3 किलो का 2.5 किलो का मुर्गा 1000-1200 रुपए का जाता है। अच्छा यार, और अगर हम अंडों की बात करें तो कितना प्रोडक्शन निकल जाता है आपके? हमारे पास अभी गर्मियों में तो करीब 150 से 200 अंडे निकल रहे हैं, सर्दियों में और नया ब्लॉक बढ़ता है तो 1800 अंडे हमारे पास पर डे हो जाते हैं, रोज के 1800 अंडे। लोगों की एक शिकायत ये भी रहती है कि उनकी मुर्गियां जो है अंडे कम देती हैं। कम देती है तो मैंने बताया कि उनको गेहूँ बाजरा कनकी डाल दी, जबकि उनको सही फीड बना हुआ जो मुर्गियों के लिए बनता है वो देना चाहिए, और वो अगर आप देंगे तो आपका अंडे का प्रोडक्शन अच्छा आएगा। भाई आपको एक मुर्गी 24 घंटे में 50-55 ग्राम का अंडा वापिस कर रही हो, दाना खिलाना नहीं चाह रहे आप 50 ग्राम भी, उसको हर अलग में 100 से 110 ग्राम दाना आपको खिलाना है, थोड़ा बहुत हरियाई वगैरह डाल दो, और बाहर छोड़ के आप सोचो कि हम अंडे लेने हैं या फार्म को सक्सेस कर ले, नहीं होगा। तो ये अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी नस्लें हैं आपके पास में? अपने पास ये 3-4 तरह की मुर्गियां हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें नस्लों को, कौन कौन सी नस्लें हैं, तो ये 3-4 तरह की कौन सी हैं आपके पास में? इसमें अपना हमने जो ब्रीड बनाई है ब्लैक एस्ट्रोलॉग और BV 300 से अपन ने ब्रीड को तैयार किया है। तो ये BV 300 कौन सी है? BV 300 में बिल्कुल जैसे ये व्हाइट मुर्गी है, ये व्हाइट मुर्गी जरा जूम करके दिखाएं, ये BV 300 है। हाँ। है ना, वो है तो एक वो सामने BV 300 की। तो ये क्या खासियत है इस मुर्गी की? इसकी खासियत ये है कि जो अक्सर मार्केट में केजों में जो पाली जाती है उसके अंडे की क्षमता 315 से 320 अंडे की रहती है, 315 अंडे से साल भर में 320 अंडे दे देती है। अच्छा, हम दूसरी मुर्गी की अगर बात करें, अब जैसे एस्ट्रोलॉग है,
एस्ट्रोलॉग, ब्लैक वाली एस्ट्रोलॉग की मुर्गी है ये ब्लैक जो दिखाई जा रही है जी, काली मुर्गी, काली मुर्गी। तो इसकी अंडे की क्षमता करीब 300-350 रहती है। 300-350 इसकी अंडे की क्षमता रहती है। अच्छा, और हम बात करें ये इस मुर्गी की, ये कौन सी नस्ल की मुर्गी है? ये है तो अपने ब्लैक एस्ट्रोलॉग से और इसकी अपने बीवी थ्री अंडे से बनाई हुई, लोग इसे RIR भी कहते हैं, और RIR बिल्कुल लाल होती है। ये सामने RIR का जो मुर्गा देख रहे हैं आप, ये लाल, ये RIR का मुर्गा, हाँ RIR का, लेकिन हमने जो तैयार किया है जो बगल में खड़ा है ब्लैक एस्ट्रोलॉग से, और ये RIR पूरा लाल होता है, ऐसे इसकी दुम जो ब्लैक है ये कलर आए है। तो इनको 2-3 नस्लों से अपन ने इस नस्ल को तैयार किया है, और इसकी मुर्गियाँ 1.5-2 किलो की रहती है, अंडे की क्षमता ज्यादा है। अगर मोटी मुर्गी होगी, बड़ी होगी तो दाना ज्यादा खाएगी, और दाना ज्यादा खाएगी तो आपका लॉस होगा। हमें ये देखना है मुर्गी उसमें देखने में वजन में छोटी हो, अंडे का प्रोडक्शन ज्यादा हो। अंडे का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो आप समय समय पर इन्हें दवाइयाँ भी देते होंगे? हाँ, दवाइयाँ देती है ना, जैसे अभी गर्मियों का समय चल रहा है तो अपन विटामिन सी है या इसके इलेक्ट्रोलाइट है वो अपन को देना पड़ती है सूर्य के पानी में। अच्छा, ये क्यों देना पड़ती है? वो भाई गर्मी का स्ट्रेस उसको कम पड़े दो। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम दवाई इस समय नहीं देंगे, गर्मी पड़ रही है, तो इससे क्या नुकसान होगा? अब जो है कि थोड़ा गर्मी भी से कोई एक आध बार मर सकती है। वैसे आप देख रहे होंगे हमारे शेड में ना तो पंखे लगे हैं ना कूलर लगे हैं, हमने तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से पाला है, नेचुरल तरीके से पाला है। बाकी ब्लैक एस्ट्रोलॉग के बारे में बात करेंगे, इनका अंडा साइज क्या रहता है? साइज ये देखिए, अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंडे क्या केज है, ये देखिए एक बार जूम करके सारे इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये 55-60 ग्राम का अंडा रहता है, ये 55-60 ग्राम का ये अंडे, ये आप बता सकते हैं ये किस मुर्गी का? ये तो ये मुर्गियां है, इन्हीं का है। ये दिखाने की एक बार कोशिश कर रहा है, ये मुर्गियां ने है अंडे दिए हुए हैं केज के अंदर, ये लाइन से दिए हर केस के अंदर अंडे जमे हुए हैं बाकायदा, काफी अंडे निकल रहे हैं, अंडों का प्रोडक्शन आपके यहाँ काफी अच्छा है। अच्छा, अब ये बताएं आप हमें कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनके अंदर और उसका बचाव कैसे किया जाता है? वैसे रानी खेत बीमारी आती है तो रानी खेत के लिए अपन वैक्सीन करती हैं, पहले वो पानी में पिलाते हैं तो अपना लसोड़ा चलता है, और अगर आप उनको इंजेक्शन द्वारा करेंगे तो आरडीडी लगेगा। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो मुर्गा मुर्गी है ये कितने समय के हैं? करीब 1 साल के हैं ये। 1 साल के, तो अब इन्हें वैक्सीन की जरूरत है? इसको अपन बीच में रिपीट कर देते हैं, कभी मौसम बदलता है उस समय बीच में। बरसात के अंदर ज्यादातर जो बीमारियों का खतरा है वो बना रहता है, वो उस समय अगर शेड में पानी आया तो कोक्सीडियोसिस एक बीमारी आती है, उन्हीं दस लगने वाली, उसका डर रहता है। जी जी, तो उसका बचाव कैसे करते हैं? उसके लिए अपन जो है ना मेडिसिन आती है कोक्सी के लिए, वो दे दो, पर भीगने मत दो शेड के अंदर, पानी नहीं आया। मुर्गियां अगर गीली होती है तो इस बीमारी की चपेट में वो आ जाती है। ऐसा ही है ना? तो एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये शेड को, किस तरीके का शेड है, ये पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था ऑटोमेटिक है शेड के अंदर। एक सफल मुर्गी पालन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, और लोगों को एक जागरूकता के लिए संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह मुर्गी पालन किया जाता है या किया जाना चाहिए? सबसे पहला चुनाव तो नस्ल के विषय में होना चाहिए। जी जी, जो अंडा देने वाली नस्ल है और देसी प्रजाति की है, पतली टांग, छोटा कद, और दाना कम खाए, अंडे का प्रोडक्शन ज्यादा हो, ये दिया है। अक्सर लोग इधर की तरफ ध्यान नहीं देते, मार्केट में जैसे आता है एक WFG करके आता है, क्रोलर करके आता है, वो सस्ता मिलता है, और दलाल लोगों से मिले और उन्होंने वो सस्ता खरीद लिया, बाद में वो कई फार्मों को देख लेते हैं, भैया हमारी मुर्गी दाना ज्यादा खा रही है और अंडे नहीं दे रही। तो हमारा ये कहना है कि ब्रीड का पहली चीज तो ब्रीड का ध्यान दो, कहीं से भी अपन एक बार पाल रहे हैं तो ब्रीड अच्छी दे। अगर हम बात करें अंडे के मामले में, तो अंडे के मामले में कौन सी ब्रीड बेस्ट है? देखिए मार्केट में तो आजकल जो है ना वो ये अपना रंगीन मुर्गियों की तरह देसी का कह के देती है, लेकिन ब्रीड अगर जैसे अच्छा लोग है जो अपन ने ये बनाई है BB3 अंडे से, ये ब्रीड की क्षमता बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं सालों साल इस ब्रीड के
पेरेंट नए लाके और नया पेरेंट तैयार करके ये निकाल रहा हूँ तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। अगर हम बात करें मीट के मामले में तो कौन सी नस्ल मीट में उत्पादन ज्यादा देगी? मीट में तो इसका भी मुर्गा जो है 3.5 किलो का हो जाता है। किसका? ये जो अपना है इसके ये खराब हुआ है RIR का, RIR जैसे कलर है दोस्तों। ये मुर्गा है RIR का, ये लाल कलर का, ये लगभग 3.5 किलो का हो जाता है। तो मीट का उत्पादन भी इससे लिया जा सकता है और अंडों का उत्पादन भी इससे लिया जा सकता है। और कुछ बताएं हमें इसके बारे में। मार्केट में अगर बेचेंगे तो इसको लोग 2-3 तरह के कलर हैं तो ज्यादा पसंद करते हैं जी। और अंडा तो प्योर यहाँ मिले तो लोग तो चले आते हैं दूर दूर से और चीज सही मिले जी जी। मेरा तो आने वालों से यही कहना होगा कि बस नस्ल का चुनाव करें, आप फेल नहीं हो सकते। और विशेष करके दाने के लिए आप अपना दाना बनाए और अपना बना सकते हैं। आप जैसे मक्का कहीं भी मिल जाती है, सोयाबीन की पीना कहीं मिल जाती है जी जी। जहाँ पोल्ट्री फीड की वो पोल्ट्री के मेडिसिन है वहाँ पे दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। अगर आप अपना खुद का फीड बनाए तो सस्ता और बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं भी अपने अपना फीड बना के नहीं चलाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि उन बनाने वालों को भी ये मालूम हो कि भाई हमें फीड किस तरीके से बनाना है। दोस्तों फीड का जो मैनेजमेंट है उसके लिए आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी दे देंगे कि किस तरह फीड मुर्गियों का बनाया जाता है, किस तरह प्रोटीन मिक्सचर मिलाया जाता है उसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, आपको बाजार का फीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो फीड है वो घर पर तैयार हो सकता है। अच्छा ये बताएं आप हमें कि कई फार्मर की शिकायत रहती है कि मुर्गी अंडा फोड़ के खा जाती है या अंडा तोड़ देती है। उसका मेन कारण रहता है कि आपने गेहूं डाल दिया, बाजरा डाल दिया, अब इसके अंदर जो लगने वाले मिनरल हैं, विटामिन हैं, फाइटेज हैं, एंजाइम हैं, ये चीज मिल जाएंगे तो मुर्गी को कमी होगी, एक दूसरे को नोचेगी और एक दूसरे को मार के भी खाएगी, वो अंडा तो मिलेगा नहीं। पर हम लोग ये दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं सामने मुर्गियां घूम रही हैं, अंडे की थोड़ा फोड़ी बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों कि ये काफी अंडे पड़े हुए हैं इस फार्म के अंदर, लेकिन मुर्गी अंडे को नुकसान नहीं पहुंचा रही, अंडे को फोड़ नहीं रही। उनकी मुर्गियां अंडे फोड़कर खा जाती हैं या अंडे तोड़ देती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कारण कैल्शियम मल्टीविटामिन है। अगर उसमें आप सुधार कर लें तो शायद ये समस्या खत्म हो सकती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त हरीश पवार, जय हिंद।